बढ़िया सर। अरे कुछ खाया नहीं बहुत दिन से। अरे कुछ नहीं, आगे बढ़िया। अरे एक रुपया तो होगा। अरे दे दे भैया, आगे बढ़िए ना। अरे कहाँ जाए। अरे आपको बोल, आगे बढ़िए। अरे दिमाग खराब है क्या? कपड़ा निकाल के रहना है, कपड़ा निकाल के रहना। आपको लगे हो जाए यहाँ पे। अरे कुछ खाने को दे, पागल कर दिया ये औरत। आज हम बात करेंगे 2021 में रिलीज हुई द व्हाइट टाइगर की। बॉलीवुड में बहुत कम बार ऐसा होता है जब फिल्म से ज्यादा कहानी पर बात करने का मन करता है, वरना दबंग कुली नंबर वन टाइप मूवीज में न कहानी होती है न डायरेक्शन। एक स्टार के इर्द गिर्द कुछ भी परोसने की कोशिश में फिल्म बन जाती है। आज हम बात करेंगे 2021 में रिलीज हुई द व्हाइट टाइगर की। IMDB पर इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिली है। राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा जैसे मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में है। अरे कलाकार तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ। तुम गली मोहल्ले के कलाकार हो वीनू पंजाबी, कहाँ बीच में टांग अड़ा रहे हो। वैसे दोस्तों, हम सभी किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। उड़ने की चाह रखते हैं लेकिन किसी पिंजरे में कैद होने को मजबूर है। जिसने समय रहते पिंजरा तोड़ दिया वो उस गुलामी से आजाद, और जो पिंजरे में कैद रह गया वो सिर्फ एक गुलाम। अब इस गुलाम आजादी के चक्रव्यूह का नाम है द व्हाइट टाइगर। पहले बात कहानी की। बॉलीवुड की कोई भी आर्ट फिल्म उठा लीजिए, अगर कहानी गरीबी और इसके इर्द गिर्द घूमने वाली रहेगी तो हमेशा नरेशन कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक नहीं दो भारत बसते हैं, एक वो जो अमीर है और दूसरा वो जो सुविधाओं का अभाव रखता है। द व्हाइट टाइगर भी इसी पहलू से शुरू होती है। फिल्म शुरू होते ही अपनी थीम पर फोकस करती है। हमें बता दिया जाता है कि बलराम एक होनहार और समझदार इंसान है, लेकिन गरीबी और कुछ कमाने की चाह ने गुलाम बना दिया। बलराम का किरदार आदर्श गौरव ने निभाया। बलराम एक नौकर की तरह काम जरूर करता है लेकिन दिमाग घोड़े से भी तेज। मुझे लगता है किसी बड़े इंसान के यहाँ अगर नौकर भी बन गया तो उसे गुलामी का पिंजरा तोड़ने का एक मौका तो जरूर मिल जाएगा। अब उसे वो मौका मिलता भी है जब उसकी मुलाकात अशोक से होती है। अशोक का किरदार राजकुमार राव ने निभाया। अशोक का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। ये जनाब खुद तो न्यूयॉर्क से पढ़कर आए हैं लेकिन इनके पिता ठेठ स्वभाव के हैं और यहीं पर छोटी जाति के लोगों पर अपना दमखम दिखाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और किसी तरह से बलराम अशोक का ड्राइवर बन जाता है। वो अशोक का इतना वफादार रहता है कि उस पर शक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब बलराम अशोक को ही अपना परिवार मानने लगता है तब आता है बड़ा ट्विस्ट। अशोक की पत्नी पिंकी तेज स्पीड में गाड़ी चलाती है और एक बच्चे को टक्कर मार देती है। पिंकी का रोल प्रियंका चोपड़ा ने निभाया। बच्चे की मौत का जिम्मेदार बलराम बन जाता है। ऐसा होता ही है फिल्मों में भी और रसूखदार लोगों के स्कैंडल में भी। नाना मैं सलमान के हिट एंड रन केस का जिक्र नहीं कर रहा भाई, वो मामला तो अभी कोर्ट में चल रहा है। खैर छोड़िए, बलराम को एक तरफ अपने मालिक को बचाना है लेकिन क्योंकि उसे गलत केस में फंसाया गया है वो बदला भी लेना है। रामिन बहरानी के निर्देशन में बनी द व्हाइट टाइगर आपको बार बार एहसास कराएगी कि आप गुलाम है और अगर जिंदगी का मालिक बनना है तो पिंजरा तोड़ना है। 2 घंटे 5 मिनट तक आदर्श गौरव का किरदार आपको यही समझाता रहेगा। कभी आपको लगेगा ये सही बोल रहा है, कभी लगेगा बोर कर रहा है। यही द व्हाइट टाइगर की सच्चाई है। ज्ञान तो दिया लेकिन मात्रा ज्यादा हो गई। इतनी गहरी बात समझाने के लिए ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो इतनी तेज दहाड़े, बाकी सब छोड़कर आप भी सिर्फ उसे ही सुनना चाहें। आदर्श गौरव ने कर दिखाया। इतने कमाल के अभिनेता है कि हर सीन पर उन्हीं का राज है। फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग भी जबरदस्त है। मालिक का रुतबा वे पूरी फिल्म में कायम रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा का काम भी सही लगा है। रोल छोटा है लेकिन जितना असरदार है। अरविंद अडिगा का उपन्यास द व्हाइट टाइगर भारतीय समाज आर्थिक और राजनीतिक संक्रमण काल की कहानी कहकर बुकर प्राइज जीत चुका है। नई सदी की शुरुआत की कहानी कहते इस उपन्यास पर रमीन रहमानी ने तमाम देशी विदेशी सिनेमा देखकर एक पटकथा रची। रमीन का भारत को देखने का एक तयशुदा फॉर्मूला है। प्रियंका चोपड़ा उनके लिए देसी है। गाँव के प्राइमरी स्कूल में टकाटक अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा बलराम व्हाइट टाइगर कहलाता है और गरीबों का खून चूसने वाले जमींदार के घर में पैदा होकर भी IT को अपना करियर बनाने वाले अशोक अमीरी और गरीबी के बीच में पुल से भी ज्यादा कुछ नहीं है। कहने को कह सकते हैं कि भारत और इंडिया को अलग अलग खांचों में बांटने की कहानी है, लेकिन नहीं, ये नए भारत की कहानी है जिसने खुद इंडिया जैसा बनने की ठान ली है, रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। रमीन बहरानी ने भारतीय पृष्ठभूमि के एक ऐसे उपन्यास पर फिल्म बनाने की ठानी जिसकी अंतरधारा शायद ही वो महसूस कर सके। ठीक वैसे ही जैसे प्रियंका चोपड़ा का किरदार है। बिहार के किसी कॉल माफिया के घर की बहू अपने जेठ से ऐसे जुबान लड़ाने की सोच भी पाती है भला। लेकिन सनद यहाँ कह रहे हैं कि ये फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी में बनी है। वैश्विक दर्शकों के आगे एक भारतीय नौकर का कई अपन बेचने निकली फिल्म। इस कहानी का नौकर अमिताभ बच्चन वाला नमक हलाल नहीं है, ये दूसरों के दुख में मजा लेकर सुख पाने वाला नौकर है। मालिक उसको अपना जमूरा बनाकर रखता है। मालकिन के बर्थडे में वो जोकर बनकर पहुंचता है और फिर जब जेल जाने की बारी आती है तो लेकिन यहीं से तो फिल्म और बलराम दोनों की आत्मा बदलती है। बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत कृति द व्हाइट टाइगर अरविंद का पहला उपन्यास है और पहली कृति पर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे लेखक हैं।
इसके पहले 2003 में डीबीसी पियरे को और भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को 1997 में ये उपलब्धि मिली थी। दूसरी बात, सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे लेखक हैं। एक मजबूत कहानी पर एक प्रभावी फिल्म है द व्हाइट टाइगर, एक बार जरूर देखी जा सकती है। कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। बाकी काफी कुछ ऊपर बताई दिया है, देखो तो जय जय, ना देखो तो मैं इस वीडियो में इतना जरूर बता चुका हूँ कि बहुत कुछ खास जरूरत नहीं बचती अब देखने की। हाँ, तुम तो अपने आप को मिस मालिनी समझने लग गए हो, बस फिल्म के बारे में तुमने कह दिया, अब पब्लिक सिर्फ तुम्हारा वीडियो ही देखेगी, फिल्म नहीं। अरे भाई, अपन तो छोटे से यूट्यूबर हैं, माँ सरस्वती की कृपा आवाज पर है, फिल्मों के बारे में कहने सुनने को तो कोशिश कर लेते हैं। हाँ बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही, चलिए आप भी कोशिश करते रहिए, मैं फिर एक नए वीडियो की कोशिश के साथ हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। तब तक लिए नमस्कार, और हाँ यार, पूरा वीडियो देखा करो, आधा तो देख लिया करो, ताकि मेरा वीडियो भी वायरल हो जाए, और सब्सक्राइब कर लेना।